अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो एह, श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चीत दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, तू हमारा क्या चलत, भया तेह की कहे, श्री महामति कहे ए मोमिनो, और कहो हकीकत जे है, और कहो हकीकत जे है। आगे छोटी पत्री वही में पुजरी, ए समाचार सुनियो, अक्षरती धाम दिनी श्री लालदास जी के धाम हृदय से पाती का वर्णन करवा रहे हैं। कल आपने सुना था श्री जी की लिखी हुई पाती को चौपाइयों के रूप में उद्धृत किया गया है बीतक के अंदर। उसमें यह दर्शाया गया है कि श्री जी ने औरंगजेब के यहाँ बंद 12 सुंदर साथ को सांत्वना देने के लिए अपने हाथों से पत्र लिखा था। उसमें बताया था उन्होंने कि श्री जी ने कि तुम 12 सुंदर साथ सब में शिरोमणि हो, अब आने वाले समय में तुम्हारी यशा पताका चारों तरफ फैला करेगी। तुमने औरंगजेब के यहाँ रहकर भी वहाँ अपना थाना यानी केंद्र बना दिया है। श्री जी आगे लिखते हैं कि परमधाम के सुंदर साथ क़यामत के नाम से मुसलमान डरते हैं, वो सोचते हैं कि जब क़यामत आ जाएगी तो हमारा जो ये आराम से रहना है, खाना पीना है, ये सब छूट जाएगा, इनके नाम से ही वो डरा करते हैं। और उनको ये मालूम है कि जब क़यामत आएगी तो वो सोचते हैं कि इमाम मेहदी के हाथ में तलवार होगी, मोमिनों के हाथ में तलवार होगी और एक ही बार में 70,000 काफिरों को मार डालेंगे। यह क्या है, जाहिरी अर्थ है। आज भी आतंकवादियों के मन में यही धारणा है कि काफिरों को कत्ल करना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। आप इसके सूक्ष्म अर्थों पर विचार करें तो काफिर किसको कहते हैं, जो अल्लाह ताला की अवज्ञा करे, अज्ञा को ना माने, जो एक परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है वो काफिर है। उनको मारा कैसे जाएगा, क्या जो परमात्मा का स्वरूप बनकर इस दुनिया में आएगा इमाम मोहम्मद महदी साहिबुज्जमा, कुरान में लिखा है कि मोहम्मद को प्रेम का स्वरूप बनाया, तो मोहम्मद के नाम पर तो आज ये आतंकवाद फैला रहे हैं और इन्होंने शुरू कर दिया इमाम मेहदी के भी नाम पर। आज जो भी आतंक है इमाम मेहदी के नाम पर किया जा रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि कुरान के अनुसार 11वीं सदी में इमाम मेहदी को जाहिर होना था, अब तो 14वीं सदी भी बीतने वाली है, 15वीं सदी शुरू होने वाली है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि इमाम मेहदी कहाँ है। ये खोजते हैं अपने मुसलमानों के अंदर। वाणी कहती है पारदा लिखिया वास्ते आमने हिंदुओं माए, जो क़यामत के निशान है उसमें दर्शाया गया है कि जब इमाम मेहदी आएंगे तो उनके मुख पर पर्दा होगा, पर्दा होगा यानी वो हिंदू तन में आएंगे। लेकिन मुसलमानों को लगता है कि हम ही केवल अच्छे हैं और जब इमाम मेहदी आएंगे तो तलवार से मारेंगे। तलवार से मारने का तात्पर्य है जान की तलवार से मारना।
एक ही वार में 70,000 काफिरों को मारने का तात्पर्य क्या है? मनुष्य के शरीर में प्रस्तोपनिषद में बताया गया है कि 72,000 नाड़ियां हैं। इसी तरह से कतेब परंपरा में कहा गया है कि 70,000 नाड़ियां हैं। 70,000 नाड़ियों में वासनाओं की भावना बहती रहती है। जैसे कहा जाता है बोलचाल में कि मनुष्य जो मन में सोचता है रक्त पर उसका असर पड़ता है। विचारधारा मन से पैदा होती है, लेकिन मन का प्रभाव हमारे रक्त पर भी पड़ता है। जैसे किसी को वीर रस की बात करा दिया जाए तो उसके अंग में गर्मी जैसे लगने लगती है। किसी को भय की बात सुना दीजिए तो लगता है कि उनका शरीर का रक्त बिल्कुल ठंडा पड़ गया है, भय के मारे चेहरा पीला पड़ जाता है। जैसे वीरता में चेहरे का रंग लाल हो जाता है, उष्णता प्रतीत होती है, वही भाव दर्शाया गया है कि जो इल्मे लदुन्नी होगा इमाम मेहदी के पास, वही जान की तलवार होगी और उसके द्वारा मानव शरीर में बहने वाली जो 70,000 नाड़ियों का रक्त है उनमें शुद्धता हो जाएगी। तृष्णाओं की जो धारा बह रही है उस तृष्णाओं की इच्छा समाप्त हो जाएगी, यानी हृदय शुद्ध होगा। उनका अर्थ ये नहीं है कि माँ मेहदी आएंगे और तलवार से कत्ल करेंगे, तलवार तो ज्ञान की तलवार होगी। पौराणिक ग्रंथों में भी यह बात दर्शाई गई है कि जब विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आएंगे तो श्वेत घोड़े पर आएंगे और उनके हाथ में तलवार होगी, उससे वे मलेच्छों का कत्ल करेंगे। मलेच्छ कौन है? जो परमात्मा को नहीं मानते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के हैं। श्वेत घोड़ा क्या है? ज्ञान का प्रतीक है, जागृत बुद्धि रूपी श्वेत घोड़ा, और उनके हाथ में एक ज्ञान की तलवार होगी। इसके वास्तविक आशय को न समझकर हिंदू भी समझते हैं कि वो घोड़े पर आएंगे, मुसलमान भी समझते हैं कि इमाम मेहदी घोड़े पर आएंगे। ये सभी अलंकारी कथन हैं जिसके बाह्य अर्थों में पहुंच न होने के कारण हिंदू समाज भी भटका है और मुस्लिम समाज भी भटका है। क़यामत के निशानों की एक और बात कही गई है कि जब क़यामत आएगी तो उसमें चारों तरफ हाथियों के खरिहान ही खरिहान दिखाएंगे, काफिरों के खून से सारी धरती लाल हो जाएगी और उनके हाथी जहां तहां मरे पड़ेंगे। इसका आगे और कहा गया है, न दाना पानी रहेगा, न अन्न रहेगा, न घास रहेगा। ये अलंकारिक कथन है। आजकल तो देखिए कितना अनाज है, अनाज गोदामों में रखे रखे सड़ जा रहा है। कहने का आशय क्या है? हाथी कौन है? हाथी पर बैठकर युद्ध किया जाता है। दो चीज़ें हैं, चाहे पौराणिक विचारधारा हो चाहे कुरान की कट्टरवादी आतंकवादी विचारधारा, दोनों ने वेद और कतेब के शब्दों का बाह्य अर्थ ही समझा है, आंतरिक अर्थ नहीं समझा। पौराणिक विचारधारा वैदिक विचारधारा से बहुत कुछ उल्टी राह बना दी है। वेद एक परमात्मा को मानते हैं, पुराणों के अनुसार परमात्मा के कई स्वरूपों की कल्पना की जाती है, कहीं ब्रह्मा जी को, कहीं विष्णु को, कहीं शिव को, कहीं गणेश को, कहीं आदि शक्ति को आराध्य माना गया है। वेद परमात्मा को साकार से भिन्न चिदघन स्वरूप मानता है, पौराणिक मान्यता में परमात्मा को साकार माना गया। वेद मूर्ति पूजा की स्वीकृति नहीं देता, पौराणिक मान्यता में तरह तरह की मूर्तियों की पूजा है, बलि प्रथा का समर्थन है, कई विकृतियां हैं जो वेद को स्वीकार नहीं है। यानी 70% पुराणों की मान्यताएं वेद की मान्यताओं से उल्टी हैं। अब जो पौराणिक विचारधारा वाले लोग हैं उन्होंने बड़े बड़े मठ बना रखे हैं, उनमें स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म की कोई चर्चा नहीं होती। आप जितने तीर्थ स्थानों में भ्रमण करेंगे, हिंदुओं के बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में, उनमें क्या होता है? बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, चढ़ावा चढ़ रहा है। आप जाकर उनसे पूछिए कि स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद परमात्मा के बारे में बताइए, तो कोई जानकारी नहीं। मैंने अपनी आँखों से देखा है, मैं सोमनाथ मंदिर गया था जिसको महमूद गजनवी ने आज से 1000 वर्ष पहले कभी तोड़ा होगा। कोई भी वहाँ पुस्तकालय नहीं था, न स्टॉल था जहाँ धार्मिक ग्रंथ कुछ मिल सके। हजारों लोग वहाँ आए थे दर्शन करने के लिए, चढ़ावा चढ़ रहा है, शिवलिंग है उस पर चढ़ावा तो चढ़ रहा है, लेकिन कोई बुक स्टॉल ऐसा नहीं था जहाँ गीता जैसी किताब भी मिल सके।
यही स्थिति मैंने जगन्नाथपुरी में भी देखा। वहाँ भी कोई मुझे स्टॉल नहीं मिला जहाँ से कोई साहित्य मिल सके, बस चढ़ावा चढ़ रहा है। एक बार डोंगरे जी महाराज वहाँ भागवत करना चाहते थे, वहाँ के पंडों ने भागवत भी नहीं करने दिया। इंदिरा गांधी दर्शन करने के लिए गई, जगन्नाथपुरी में उनको दर्शन तक करने नहीं दिया। ये क्या है कर्मकांड? वाणी कहती है जब ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, यानी एक स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म पर हिंदू मुसलमान सबकी आस्था हो जाएगी। मुसलमान भी भटके हुए हैं, हिंदू भी भटके हुए हैं, क्योंकि दोनों को सत्य का प्रकाश नहीं है। साहेब आए इंच में करने कार्य तीन, सो सबका झगड़ा मेट के या दुनिया या दिन। सबके झगड़ों को समाप्त करने के लिए राज्य आए हैं। पहला क्या है? मेटन लड़ाई बंधन की, दोनों का झगड़ा हिंदू और मुसलमान का मिटाने के लिए। दूजे ज्यादे पैगंबर, पैगंबरी का झगड़ा, यानी वाणी को पूज्य बना दिया, कौन गादी पर बैठेगा इसकी कोई महत्ता नहीं। मेटल लड़ाई बंधन की, जूती दूजे ज्यादे पैगंबर धनी आए वेद कतेब छुड़ावने, ये तीन बातें चित्त में धर। तारतम वाणी का प्रकाश देकर वेद और कुरान दोनों के बाह्य अर्थों में भटकना छुड़ा दिया। आप देखेंगे हिंदू समाज वेदों को मानता है लेकिन वेदों का स्वाध्याय नहीं करता। जो कुछ कहया कतेब ने सोई कहया वेद, दो बंदे एक लड़क साहेब के पर लड़त विन पाए वेद। मुसलमान अब जहां देखिए केवल सहारनपुर में लगभग 50 के आसपास मदरसे हैं, लेकिन उनसे पूछिए कुरान का तत्व ज्ञान क्या उनके पास है? उत्तर मिलेगा नहीं। केवल नमाज पढ़ सकते हैं, रोजा रख सकते हैं, हज कर सकते हैं, जकात कर सकते हैं, कलमा इनको याद है, कुरान याद है, लेकिन पूछा जाए क़यामत के सात निशान कौन कौन से हैं, हरुफे मुक्तियात हरु अलिफ लाम मीम ऐन गैन साद कैफ काफ का भेद अर्थ क्या है, इनको नहीं मालूम है, शब्दों को रटे हैं। उसी तरह से हिंदुओं का हाल है। जब तारतम वाणी का प्रकाश फैलेगा तो हिंदू और मुसलमानों के उन स्थानों में जहां आज शरीयत के नाम पर भीड़ इकट्ठी दिखाई दे रही है वो खाली हो जाएंगे। इसको कहते हैं दाना पानी नहीं रहेगा। हाथी कौन है? हाथी पर बैठकर ही तो युद्ध किया जाता है, यानी भौतिकतावाद नास्तिकवाद और बहुदेववाद का संसाधन क्या है? ये बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मंदिरों में जड़ पूजा हो रही है। उसी तरह से मस्जिदों के नाम पर इस्लामिक समाज को इकट्ठा तो किया जाता है लेकिन वहाँ प्रेम और शांति नहीं सिखाई जाती, वहाँ आतंक सिखाया जाता है। कहीं कहीं तो ऐसा भी देखने में आता है, संकेत में मौलवी मुल्ला लोग कुछ उत्तेजक भाषण दे देते हैं। आप देखेंगे कश्मीर से हिंदुओं को कब कैसे भगाया गया, मस्जिदों से बड़े बड़े लाउडस्पीकर से जोर जोर से अनाउंस किया गया कि जो इस्लाम की शरीयत को नहीं मानना चाहता है वो यहाँ से चला जाए, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। कितने हिंदू और सिख कश्मीर छोड़ करके, घाटी छोड़ करके जम्मू आ गए। आखिर मंदिर तो शांति का स्थान माना गया है, अल्लाह की इबादत के लिए है, इसलिए नहीं कि वहाँ आप उत्तेजक भाषण देकर सबको भड़काएं। लेकिन तारतम वाणी का जब प्रकाश हो जाएगा तो हिंदू और मुसलमान दोनों के अंदर शांति फैल जाएगी, दोनों सत्य के अनुगामी बन जाएंगे। परिणाम यह होगा कि दाना पानी घास नहीं रहेगा, इन हाथियों को खाने के लिए न दाना रहेगा न पानी रहेगा न घास रहेगा। और जो उन स्थानों में रहने वाले जो बड़े बड़े मठाधीश हैं उनकी शक्ति भी कमजोर हो जाएगी। इसको कहते हैं कि बड़े बड़े हाथी मरे हुए पड़े होंगे। काफिर उसको कहते हैं जो स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म के ज्ञान को न माने। एक हिंदू जो एक सच्चिदानंद परमात्मा की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, एक मुसलमान जो कुरान के नाम पर उन हिंदुओं को कत्ल करने की मंशा रखता है जो एक परमात्मा पर विश्वास करते हैं, वो भी दोनों ही काफिर हैं। काफिर का तात्पर्य यह है जो परमात्मा की आज्ञा न माने, चाहे मुसलमान हो या हिंदू। मुसलमान कहते हैं कि हिंदू काफिर है जबकि सच्चाई यह नहीं है।
आप मुसलमान होकर मजार पर सिर पटकते हैं तो एक अल्लाह ताला की भक्ति तो आपने छोड़ दी, काफिर तो आप भी हुए। अल्लाह कहता है किसी प्राणी को मत मारो, मैं रब्बिल आलमीन हूँ, मैं सारे जहाँ का मालिक हूँ। जब सारे जहाँ का मालिक वो अल्लाह ताला है तो क्या वो हिंदुओं का नहीं है? हिंदुओं की गर्दन क्यों मारते हो? कहीं ना कहीं मुसलमान भी परमात्मा की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, हिंदू भी वेद की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, दोनों ही अंधकार में भटक रहे होते हैं। इसलिए तारतम वाणी दोनों को ही सत्य मार्ग दर्शाने वाली है। अब श्री जी जो पत्र भेजते हैं कांजी भाई के हाथ से सुंदर साद के पास, और सुंदर साद शेख बदल कांजी भाई दोनों के माध्यम से श्री जी के पास पत्र भेजते हैं, उसको छोटी पत्री कहते हैं। बड़ी पत्री आपने कल सुनी। अब छोटी पत्री में भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। श्री जी ने बड़ी पत्री में निर्देश दिया है कि सुंदर साद तुम कभी घबराना नहीं, जो तुम्हारी कोई हंसी उड़ाता है तो उनके मुंह पर नबी नारायण की सनंद मारना और कहना कि हमने भेष बदलकर कोई गलत कार्य नहीं किया है। उस युग में ऐसी अंध परंपरा थी कि कोई छोटी जाति का दिया हुआ खा लेता था तो उसको धर्म भ्रष्ट माना जाता था। आचरण की महत्ता नहीं थी, सारा ध्यान खाने पीने की छूत छात पर था। एक बार महात्मा जी के चौके में जो वैष्णव महात्मा थे कोई व्यक्ति चला गया, महात्मा जी आपे से बाहर हो गए कि तुमने हमारे चौके में आकर चौके को अशुद्ध कर दिया। यानी सारा ध्यान किस पर लगा हुआ है कि हम बर्तन को कितनी बार धोकर भोजन करें, भोजन बनाएं, खाना पीना भोग लगाना और सो जाना, इसी को धर्म मान लिया था। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि भोजन कौन बनाएगा? आर्य अधिष्ठाता वासुद्रा संस्कर्ता रहस्यु, आपस्तंभ सूत्र में लिखा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का भोजन कौन बनाएगा? शूद्र, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, जन्म से कोई शूद्र नहीं है, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। ब्राह्मण भी यदि वेद नहीं पढ़ा है, धर्म के संस्कार उसके पास नहीं है तो वो भी शूद्र माना जाएगा, उसको ब्राह्मण कहलाने का अधिकार नहीं है। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर यदि उसमें प्रशासन की क्षमता नहीं आई, संस्कार नहीं आया तो वो भी शूद्र है, वैश्य भी शूद्र है। और शूद्र कुल में उत्पन्न होकर यदि किसी का आचरण ब्राह्मण के समान हो गया तो ब्राह्मण हो गया। यानी कर्म से वर्ण है, जन्म से किसी का वर्ण निर्धारित नहीं होता। उस युग में ऐसे ही छूतछात चलता था। श्री जी ने उन सारे बंधनों को हटाया और कहा कि देखो, धर्म के कार्य के लिए तुमने ऐसा किया है। मुझे भी जब हरजी व्यास से धर्म चर्चा करनी थी तो मुझे यह नीति अपनानी पड़ी। हरजी व्यास क्या करते थे? एक बात कहते थे, मैं 10 बार जी जी करता था, लेकिन जब समय आया तो मैंने हरजी भाई से प्रश्न कर दिया कि बताइए, आप जिस 84 लाख योजन हीरे का वर्णन कर रहे हैं वो कहाँ है? हरजी व्यास को उत्तर नहीं आया और परिणाम यह हुआ कि उनको नतमस्तक होना पड़ा। इसलिए आप सब सुंदर साथ औरंगजेब के कैद में हैं तो वहाँ किसी भी बात पर उत्तेजित नहीं होना, नीति के अनुसार कार्य करना, क्योंकि किसी भी मुस्लिम को सीधे चुनौती देने का तात्पर्य है उनके क्रोध को भड़काना, और जब उनका क्रोध भड़क जाता है तो वे विवेक अपना खो देते हैं। और उस समय जबकि मुगलों की सियासत थी, शरीयत का राज्य था, हिंदू को तो अल्लाह या कुरान के बारे में कुछ भी बोलने का अधिकार ही नहीं था। अब छोटी पत्री जिसके बारे में आप सुनिए। हक सूरत और सिद्धपुर, श्री जी पत्र लिखते हैं कि आप हे सुंदर साहब जी, सूरत सिद्धपुर और उदयपुर मेरठते में ये सारा समाचार पहुंच गया है। जो संदेशा देखे, मैंने औरंगजेब के संबंध में विचार किया कि आखिर औरंगजेब क्यों नहीं जगा, उसके अंदर जब परमधाम की आत्मा है। मैंने संदेशा भेजा तो परमधाम की आत्मा तो एक शब्द सुन करके फिदा होनी चाहिए थी, क्योंकि वाणी कहती है
बहुत पुकार करूं किस खातिर ये तो सुपन स्वरूप बेहद बनज का होएगा साथी सो एक लवे हो सी टूक टूक। लेकिन औरंगजेब क्यों नहीं समझ रहा है? इसका कारण यही है कि एक तो उसको सामने बैठकर मेरी चर्चा सुनने का कभी अवसर नहीं मिला, दूसरे उसके पास बहुत अधिक सेना है, दौलत है और वो शरीयत के अधिकारियों से घिरा हुआ है। उसके मन में डर बैठ गया था कि यदि मैंने एक हिंदू वैरागी की बात मान ली तो मेरे जीवन के लिए खतरा हो सकता है, मेरी सत्ता तो जाएगी। और औरंगजेब के अधिकारियों ने ये बात मन में ठान ली थी कि यदि बादशाह हिंदू वैरागी के चरणों में जाता है तो निश्चित रूप से हम मिल करके औरंगजेब की हत्या कर देंगे, क्योंकि हमारी आन शान की बात है कि इतने बड़े देश का बादशाह एक हिंदू वैरागी के चरणों में क्यों जाए। कल मैंने कहा था कि किस तरह से शेख वाजिद जो फकीर था उसके माध्यम से औरंगजेब बादशाह, शाह कलंदर एक फकीर हैं, उनके तकिए यानी गादी में के स्थान में एकांत में आकर श्री जी से मिल गया। श्री जी ने उससे कहा कि तुम शरीयत को छोड़ो। कहा कि मेरे लिए शरीयत को छोड़ना संभव नहीं है, शरीयत को छोड़ते ही पूरा हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में एक दूसरी हवा बच जाएगी कि जो शरीयत का बादशाह था उसी ने शरीयत छोड़ दी, मेरे लिए संभव नहीं है। जब तक उसके अंदर हकीकत का ज्ञान प्रवेश न करे वो शरीयत को कहाँ छोड़ सकता था। उसकी अंतर्दृष्टि खुली नहीं थी, वो केवल रोजा और नमाज तक अपने को सीमित किए रखा था। जो मुसलमान केवल नमाज पढ़ना जानता हो, कुरान की आयतों को रटा भर हो, उसके सूक्ष्म अर्थों को न समझता हो, वो भला एक ही संदेश में कैसे अपनी राह को बदल सकता था। पीछे फिरिए घर, किस तरह से संदेशे की बात कही गई है कि औरंगजेब बादशाह को मैंने संदेशा भिजवाया, जो लोग घुटन घुट सो बांध के, और जब घुटन सो बांधने का तात्पर्य आमने सामने बैठकर, जब तक औरंगजेब मेरे सामने बैठकर कभी चर्चा न सुने उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता था। कागज भेजा गया, थोड़ी सी बातें हुई, संदेशा पढ़ा, उसके दिल में तो है लेकिन आत्मबल नहीं हो पा रहा है कि पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की सत्ता को छोड़कर मैं इमाम मेहदी की शरण आ जाऊं, क्योंकि ये कार्य इतना सरल नहीं होता। मनुष्य का अहंग ही सबसे बड़ी माया बन जाता है। आप देखेंगे नेता लोगों को जब वोट लेना होता है किसी भी मजार पर मत्था टेकवाइए, टेक देते हैं, लेकिन उनके जीवन में अध्यात्म का वह प्रभाव नहीं होता। मनुष्य को जब स्वार्थ दिखता है तो सब कुछ कर लेता है, स्वार्थ जब पूरा नहीं होना होता है तो परमात्मा को ठुकरा देता है। यही कारण है कि औरंगजेब के सामने एक पर्दा पड़ गया कि मैं इतनी बड़ी सल्तनत को छोड़कर हिंदू बैरागी के शरण में कैसे जाऊं। मुसलमानों का यही कहना था कि यदि इमाम मेहदी हिंदू तन में आते हैं तो हमें स्वीकार नहीं है, मुस्लिम भेष में आए, मुस्लिम भाषा बताएं तो हम मानेंगे, हिंदू वेशभूषा में हमें स्वीकार नहीं। सुनावे ना इन पर, हाँ इनको जब तक न सुनाया जाए, तिस वास्ते आपन को, इसलिए औरंगजेब बादशाह को समझाने के लिए हमें जात भेष उपले, हमें जात का भेष की जो बाह्य पहचान है इसकी कोई पहचान कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। सब गोविंद भेड़े की तुमको, और गोविंद भेड़ा जो मैंने कल बताया था, गोविंद भेड़ा किसको कहते हैं? माया का मंडल प्रपंच है, यह सारा जगत प्रपंचमयी है, इसमें कुछ भी सच नहीं है, और जो इस झूठे जगत में फंस जाता है वो अंतोगत्वा दुखी होता है। पहचान जाता देख के, यह जो संसार के जीव है किसमें फंसे रहते हैं? जात और वेशभूषा में ही फंसे रहते हैं। हमारी ये बिरादरी है, हमारी ऐसी वेशभूषा है, इसी को लिए रहते हैं, आत्म तत्व की पहचान इनको नहीं होती। धन धन कहे सब हमको, और जब इस तरह से आप सत्य के ऊपर चलेंगे तो सभी आपको धन धन कहेंगे। पीछे उनके मन में, और उसके पश्चात उनके मन में क्या होगा? हमारा भाषा अवगुण, और उन्होंने हमारे अंदर अवगुण देखा। क्यों हिंदू मुसलमान ऐसे,
जब 12 सुंदर सात कैद में थे, अब सुंदर सात की तरफ से पत्र लिखा जा रहा है कि धामधनी, जब हम औरंगजेब की कैद में थे तो हम फकीरों के भेष में गए थे। औरंगजेब सोचता है कि ये 10 हिंदू मुसलमान का भेष धारण करके क्यों आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अकेले में मिलकर हमको मार डालें। इसलिए उसके मन में डर बैठ गया और अकेले में बात करने से उसने टाल मटोल कर दिया। जिन सनंदे समझेगा, श्री जी पत्र लिखते हैं कि देखो सुंदर साथ, जिस तरह से सनंद ग्रंथ के जिस भी प्रकरण से वो समझ सकता है, क्यों समझावे हम, उसे आप समझाना। अब हमारे काजी सो, सुंदर साथ पत्र लिखते हैं कि धामधनी आपने अपनी कृपा से मिलाप कर दिया, तुम आपने अपनी कृपा दृष्टि से काजी शेख इस्लाम से हमारी बात करवा दी है। अब तो हम जाहिर, अब सुंदर साथ पत्र लिखते हैं कि ये पूरे दिल्ली में शोर मच गया है कि माँ मेहदी के अनुयायी आए थे और औरंगजेब की शरीयत को चुनौती देते हुए भरे दरबार में उन्होंने बातें की है। लश्कर है इमाम, सबको मालूम है कि हम इमाम मेहदी की सेना के हैं। थाना थिर कर बैठे, और थाना थिप कर के बैठे, यहाँ पर हमने प्राणा जी का एक केंद्र स्थापित कर दिया है एक प्रकार से। एते दिन छाना करते काम, आज दिन तक हम छिप छिप करके रहा करते थे, लेकिन अब हमने यहाँ पर आपका एक केंद्र स्थापित कर दिया है। तिस वास्ते हम भी, इसलिए हम भी एक ही तरफ आएंगे, एक तरफ हो जाएंगे। तुमको दिल्ली के परवाने, अब दिल्ली से जो भी सूचना होगी हम आपको भेजते रहेंगे। खप होए तो भेजेंगे, जो आवश्यक सूचना होगी हम आपके पास भिजवाएंगे। और बड़े मोहरे मोड़ के, और मोह के बड़े मोहरे, यानी जो माया के बड़े बड़े आगेवान लोग हैं धर्म के, आए लगे तुम, वो कभी धर्म की वास्तविक राह को नहीं अपना पाएंगे। तिस वास्ते सब साथ को, इसलिए सब सुंदर साथ को आप पत्र लिखना। पाँव भरे हक हुकम, इसलिए जो सत्य है उसको ग्रहण करना। सो तो तुम किया, और वो कार्य आपने कर दिखाया है। श्री जी लिखते हैं मोमिनों को कि मोमिनों, तुमने लोक लज्जा को छोड़ दिया, धनी की राह पर चलते हुए अपने प्राणों की चिंता नहीं की। अब खबर राखियो तुम, इसलिए अपनी गरिमा की रक्षा करना। इन मोर्चे खबर, और जो शरीयत के विरुद्ध में ये युद्ध लड़ा गया है इसकी सूचना, यह लिखते हैं हम, वो मैं देखूंगा कि आगे भविष्य में क्या करना है। जैसे तुम आपको, और जिस तरह से आप, तैसा फुरमाया धाम, जो कुछ होगा धामधनी ने जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तैसे भारी हो जियो, और जैसी तुम्हारी गरिमा है उसके अनुसार ही आचरण करना। कभी बच्चों की तरह ओछापन नहीं दिखाना, गंभीर बने रहना और अपना ध्यान अपनी गरिमा को बनाए रखने पर रखना। तैसे की जो काम, और वैसे ही तुम आचरण करना। अब तुम एक दूजे से, अब श्री जी कहते हैं कि साथ जी अब तुम एक दूसरे से भारी रहना, यानी अपने आचरण को इतना दृढ़ बनाना कि सब तुम्हारी महिमा के उनको स्वीकार करें। अपने गुण बस कीजियो, गुण बस करने का तात्पर्य क्या है, अपने मन को बस में किए रहना। बड़े मोहरे को लगे तुम, क्योंकि आप किससे युद्ध कर रहे हो, शरीयत के सबसे बड़े बादशाह औरंगजेब के दरबार में हो, उससे आप टक्कर ले रहे हो, इसलिए कोई ऐसा व्यवहार न कर देना जिससे परमधाम के ब्राह्मणियों की गरिमा पर कलंक लगे। हो तुम जान सिरोमणि, आप कौन हो, सब सुंदर साथ में सिरोमणि हो, क्योंकि आपने औरंगजेब बादशाह की सत्ता को चुनौती दी, उसकी शरीयत को चुनौती दी है। जो तुम साथ समस्त, और आप सब सुंदर साथ में शिरोमणि हो। तुम बुद्धवान विचस्यन, और आप कौन हो, बुद्धिमान हो, विलक्षण बुद्धि वाले हो। तुम पे बड़ी वस्त, तुम्हारे पास तारतम ज्ञान का अखंड धन है,
तुम बुद्धिमान हो, तारतम ज्ञान को लिए हुए हो, इसलिए ऐसा कुछ भी व्यवहार नहीं करना जिस पर संसार उंगली उठाए। सो भी कारज कारण, और ये जो कुछ हुआ है राज्य की कृपा से हुआ है, कुछ न कुछ कारण है जिसके कारण ऐसा हुआ है। जान परत आगे, ऐसा लगता है कि जो कुछ हो रहा है इसमें राज्य कुछ और चाहते हैं। ना तो हमारा जानना हुए, श्री जी कहते हैं कि देखो मैं तो यहाँ पर हूँ, तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए लगता है कि राजी मेरे अंदर प्रेरणा भर रहे हैं कि मैं आगे चलूँ। सो जानो तुम ए, और तुम इस बात को अच्छी तरह से जानते हो। बहुत खुशहाल हो के, बहुत आनंदित होकर। वस्त्र का दिखाइयो बोझ, तुम जो भी बात करना अपने तत्व ज्ञान को दृढ़ता से प्रस्तुत करना। मोहम्मद ईसा इमाम, और मोहम्मद आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुजमा ईसा और इमाम मेहदी। बोझ बोझ दिखाइयो खोज, तीनों सूरतों की बात को बताना, बसरी सूरत, मलकी सूरत और हकी सूरत का प्रभाव क्या है, उन्होंने संसार को क्या दिया है। हम जो भेख बदल के, कि हमने जो भेष बदला है, फकीरों का भेष धारण किया है, एक धर्म के कार्य के लिए किया है। उस युग में क्या था, उस युग में सबके मन में ये डर बैठा हुआ था कि यदि हमने इसका दिया हुआ भोजन कर लिया, इसका भेष धारण कर लिया, तो उसको पूरे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। बैठे बीच दरबार, और हमने जो है तुम सब जगह पत्र भेज देना कि हम जो औरंगजेब के दरबार में गए फकीरी भेष धारण करके, तो किसी से डर करके नहीं गए, हमें ये कार्य करना था इसलिए गए। सो उल्टो सीधा करने, इसलिए जो कोई आपको छोटा समझे, घृणा की दृष्टि से देखें, उल्टी राह पर चलेगा, उनको या तो बुलाकर मैं समझाऊंगा या किसी भी तरह से उनको सही मार्ग पर मैं सीधा करूंगा। तरफ परवरदिगार, और उनको राज्य की तरफ ले चलूंगा। ऐसी पाती लिख के, इसलिए ऐसा पत्र लिखकर उठाए खड़े करो, सब जगह जहाँ जहाँ सुंदर सहित है सबको पत्र भेजो और उनको माया से निकालने का प्रयास करो। चार वचन जिन भांत के, जो कुछ धर्म की बातें हैं उनको लिख करके भेजना। तैसा तहाँ धरो, जो जहाँ जैसी आवश्यकता है उसको बताना। देखे बिहारी जी क्या लिखते, और नौतनपुरी भी पत्र भेज देना। ये देखना कि बिहारी जी लिख करके क्या भेजते हैं कि ये 12 सुंदर साथ गए औरंगजेब बादशाह के दरबार में। आप देखेंगे जिस औरंगजेब बादशाह के दरबार से कोई दूसरे पंथ वाला आज तक जीवित नहीं लौट रहा था, उस औरंगजेब बादशाह के दरबार में जाकर मोमिनों ने दृढ़ता से सारी बातें की, अपनी बात रखे और औरंगजेब को भी सिर झुकाने के लिए विवश कर दिया। वह तो दरबारियों ने बका दिया था, अन्यथा तो बात वही हो जाती थी। वैसे कुरान में पहले से साक्षी थी कि औरंगजेब बादशाह के पास पैगाम भेजा जाएगा लेकिन वह स्वीकार नहीं करेगा। कुरान में फिरौन कहा गया है औरंगजेब को, हारून कहा गया है छत्रसाल जी को, और प्राणा जी को मूसा पैगंबर के नाम से संकेतों में वर्णित किया गया है। मुसलमान समझते हैं कि कुरान केवल हमारा है और हमारे लिए आया है, उसमें तो साक्षियाँ हैं संकेतों में, यानी मूसा पैगंबर की बात को फिरौन ने झुठला दिया था। कहने का से क्या है, प्राणा जी ने जो संदेश भेजा उस संदेश को उसने स्वीकार नहीं किया। ए जवाब ले ओ सिताब, बिहारी जी के पास पत्र भेजकर उनसे उत्तर मंगवाना कि उनके मन में क्या है। ए पत्रियां लिख के, और इन सब पत्रों को लिखकर दुरुस्त करो अब किताब, हाँ उनको सत्य ज्ञान का बोध कराना। जो जैसा तैसी तीनों, जो जिस तरह का है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। लिखियो तुम कलाम, और तुम वो सारी बातों को लिख करके भेजना। जो आगे अग्न के, जिस तरह से आग से मोम पिघल जाता है उसी तरह तुम ऐसी बातें लिखना कि सब लोग उसको पढ़ करके पिघल जाएं और सत्य के मार्ग का अनुसरण करें। वास्ते अपनी शर्म के, और अपनी लज्जा के लिए, सब में यही स्वार्थ, संसार के सभी लोग स्वार्थी हैं और अपने स्वार्थ के नाम पर
तरह तरह के प्रपंच रचते हैं, गोविंद भेड़े इन भांत के, और गोविंद भेड़ा ऐसा ये संसार के स्वार्थी है, क्योंकि दयाराम के भाइयों ने सिफारिश की ऐसे अपराधी की खोज करने लगे जो हमारे भाई की हत्या कर दे। उन्होंने सोचा कि यदि हमारा भाई मुसलमान हो जाएगा तब तो हमारी इज्जत चली जाएगी, इसलिए मुसलमान होने से पहले उसकी हत्या करा दो। श्री जी ये कहते हैं कि देखो दुनिया का कितना स्वार्थ है कि अपने सगे भाई को मरवा देना इसलिए चाहते हैं कि कहीं वो मुसलमान ना हो जाए। उस युग में यह डर था क्योंकि जो भी औरंगजेब के दरबार में जाता था उसको शर्त रखी ही जाती थी, जिंदा रहना है तो इस्लाम स्वीकार करो। उन्होंने सोचा कि कहीं हमारा भाई भी इस्लाम न ग्रहण कर ले। ए नजर में रखियो अरथ, और यह बात अपने दिल में बनाए रखना, लोक मर्यादा छोड़ के, संसार की मर्यादा को छोड़कर, मोर्चा ढाए मीने बैठे, यानी तुमने औरंगजेब के विरुद्ध में मोर्चा किया, युद्ध का मोर्चा लगाया है शरीयत के ज्ञान के विपरीत। रहियो एक जगह के, एक जगह एक रस होकर के रहना, बिना मसलत और बिना विचार विमर्श किए, जिन करो कोई काम, सुंदर साथ को एक विशेष सिखाफन दिया, कुछ भी कार्य करो तो आपस में विचार विमर्श करके करो। ये प्रक्रिया जब तक रही, प्राचीन काल में जो भी चक्रवर्ती सम्राट थे राजा थे उनकी एक सभा हुआ करती थी, सभा से विचार विमर्श लिया जाता था। राजा सर्वोपर था, राजा की बात को सभी मानते थे, लेकिन कुछ भी कार्य करने से पहले सभा में मंत्रणा की जाती थी, सभा अपना विचार व्यक्त कर देती थी। लेकिन जब से ये परंपरा हट गई तो राजा महाराजा तानाशाही हो गए। इसलिए जब तानाशाही की प्रक्रिया हो गई तो उल्टे सीधे निर्णय लेने लगे और परिणाम यही हुआ कि विनाश होने लगा। राजा के निर्णय को अंतिम निर्णय माना जाने लगा, ये उचित नहीं है, हमारी संस्कृति का ऐसा आधार नहीं है। हाँ, लोकतंत्र की बात आजकल कही जाती है, लोकतंत्र में वही प्रक्रिया अपनाई गई है, जहाँ अशिक्षित समाज हो वहाँ राजतंत्र अच्छा होता है, एक व्यक्ति का निर्णय अच्छा होता है, लेकिन जहाँ शिक्षित समाज हो, हर व्यक्ति विवेक रखने की क्षमता रखता हो तो उसकी राय अवश्य लेनी चाहिए, कि क्योंकि जब हर व्यक्ति अपनी राय देगा तो उसके साथ वो जुड़ेगा। श्री जी कहते हैं कि तुम 12 सुंदर साथ हो, मनमानी कुछ भी नहीं करना। कदाचित एक ने औरों को बताए बिना कोई निर्णय ले लिया, अन्य सुंदर साथ कहे कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं, तो परिणाम क्या होगा, वो किनारे हो जाएगा। सुंदर साथ में आज यही स्थिति है हमारे समाज के, आप देखेंगे अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग स्थान हैं, अलग अलग नीतियाँ हैं, जिनको धर्म का नेतृत्व प्रदान किया गया है कहीं ना कहीं वाणी के प्रकाश से वो भी दूर है। एक तरफ तो वो चाहते हैं कि उनके कहने पर ही सारा देश चले, चाहे वो गलत निर्णय ले चाहे वो सही निर्णय ले, क्योंकि वो धर्म के मुख्य स्थान पर बैठे हुए हैं, ये उचित नहीं है। नीति का कथन है, न सास सभा यत्र न संति वृद्धा, वृद्ध किसको कहते हैं, ज्ञान से जो वृद्ध हुआ, सिर के बालों के सफ़ेद होने से कोई वृद्ध नहीं होता, जो ज्ञान से बड़ा होता है वो वृद्ध माना जाता है। जब सुखदेव जी सभा में आए ऋषियों की तो सारे ऋषि मुनि उठ गए, उठ करके खड़े होकर सबने स्वागत किया, क्योंकि तप त्याग और ज्ञान में सुखदेव के बराबर कोई नहीं था। सुखदेव की अवस्था उस समय 16 वर्ष की थी, लेकिन बड़ी बड़े अवस्था वाले ऋषि मुनि भी खड़े हो गए। न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम, और वो ज्ञानी नहीं है, वो वृद्ध नहीं है जो धर्म की बात नहीं कहते। धर्मम न यत्र न तत् यत् सत्यम नास्ति, वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य नहीं हो, न तत् सत्यम यत् छलम अव्यपेत, और वो सत्य नहीं है जो छल से भरा हुआ। जैसे अश्वस्थामा के संबंध में युधिष्ठिर ने कह दिया, अश्वस्थामा मरो नरो वा कुंजरो, मुझे नहीं मालूम है कि हाथी मरा है कि अश्वस्थामा मरा है, लेकिन अश्वस्थामा मरा है, बोला तो सत्य युधिष्ठिर ने लेकिन छल से भरा हुआ। यानी कोई भी सभा में
उम्र के अनुसार वृद्धों को नहीं का मतलब नहीं है, वह सभा नहीं है जिसमें ज्ञानी नहीं हो, वो ज्ञानी नहीं है जो सत्य को नहीं कहते हैं, वह सत्य नहीं है, वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य नहीं हो, और वो सत्य नहीं है जिसमें छल से भरा हो। निर्णय किसका होना चाहिए? जो सत्य का निर्णय हो। यदि एक व्यक्ति भी सत्य पर है और सारा संसार असत्य की राह पर है तो सत्य के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, बहुमत नहीं देखना चाहिए, बहुमत की राह पर नहीं चलिए, धर्म की राह पर चलिए, सत्य की राह पर चलिए। आप ये देखेंगे कि ज़्यादा लोग जिस तरह हैं उधर ही रहें, तो महाभारत के युद्ध में तो एक तरफ कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना थी, पांडवों के पास 7 अक्षौणी थी, डेढ़ी सेना थी, तो क्या कौरवों का साथ देना चाहिए? ऐसा कभी नहीं। बुद्ध अकेले चले, महावीर स्वामी अकेले चले, शंकराचार्य अकेले चले, दयानंद अकेले चले, आप देखेंगे सब सुंदर साहब की आत्मा को जगाने के लिए प्राणनाथ जी अहमदाबाद से दीप बंदर अकेले गए, दीप बंदर से मस्कत आवासी सब अकेले जाते हैं। बाद में सूरत से 500 का काफिला साथ में हो गया और पन्ना जी तक पहुंचते पहुंचते 5000 की संख्या हो जाती है। यदि श्री जी सोचते हैं कि बिहारी जी के साथ गादी है, मेरे साथ तो कोई नहीं, तो जागने का ये कारवा आज आगे नहीं बढ़ता। एक वेद के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं सातवलेकर जी, उन्होंने एक बात बहुत ऊंची कही है, जब मनुष्य किसी सत्य पर दृढ़ निष्ठा के साथ लग जाता है तो इस अनंत ब्रह्मांड के अनंत परमाणु अपनी सारी शक्ति उसको सौंप देते हैं, क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ जाता है। इसलिए अंतरात्मा से पूछना चाहिए क्या सत्य है, और सत्य के समर्थन में एक व्यक्ति भी खड़ा हो तो उसी के साथ खड़ा होना चाहिए। सारा संसार भी यदि विरोध में हो तो संसार से लड़ने में डरना नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन किसी एक व्यक्ति को गलत निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। धार्मिक संस्था हो, राजकीय प्रशासन हो, सबकी सर्वसम्मत लेनी चाहिए। छोटा बच्चा भी कोई बात सत्य कहता हो तो उसको भी सुनने का प्रयास करना चाहिए, न तो केवल बड़ों का राज हो, न युवाओं का, न छोटों का, क्योंकि युवाओं में जोश तो होता है, होश नहीं होता। बूढ़ों में जोश नहीं होता है, होश होता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी होती है, लंबे जीवन का अनुभव लिया होता है। दोनों जब मिलते हैं तब कार्य होता है। युवाओं को काम करने के लिए नेतृत्व देना चाहिए और बड़ों को मार्गदर्शन करना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन के अंदर सारा अनुभव अपने अंदर समेटे हुए। बच्चों की भी अलग अहमियत है, मकान में सबकी उपयोगिता है, नींव की ईंट की अलग उपयोगिता है, बीच वाले की अलग, ऊपर की अलग। संसार में महत्व सबका होता है, बच्चों का, बूढ़ों का, युवाओं का, सबका महत्व होता है। सबको मिलाकर के चलेंगे तो संगठन पूर्ण होता है, लक्ष्य पूरा होता है। लेकिन यदि धर्म की बात आती है, सत्य की बात आती है, तो केवल सत्य की बात तो सुननी चाहिए। इसलिए भर्तृहरि ने कहा है कि अद्य एव मरणम अस्तु युगान्तरे वा नयात् पथः न प्रविचलन्ति धीरा। भले ही आज ही मृत्यु को गले लगाना पड़े या युगों के बाद, लेकिन धर्म के सत्य के पथ से धैर्यशाली पुरुष कभी भी विचलित नहीं होते हैं। अब देखिए हकीकत राय कितने साल का बालक है, 12 वर्ष का। जल्लाद कहता है कि इस्लाम स्वीकार करो नहीं तो फांसी लग जाएगी, कहता है फांसी लगा दो, डरता नहीं है। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे, एक 7 साल का है, एक 9 साल का है। आप सोचिए दीवार में चुना जा रहा है, जल्लाद चुनते जा रहे हैं, शर्त रखी जाती है सरहिंद के नवाब के द्वारा, अब तो कलमा पढ़ लो, कहते हैं कि नहीं दीवार में चुन जाएंगे, हमें मरना स्वीकार है, धर्म नहीं बदलेंगे। दीवार में चुने जाते हैं दो छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र अभी खेलने कूदने की है, लेकिन उनका विवेक दृढ़ है। यदि उनका मनोबल कमजोर होता तो क्या करते, वो भी इस्लाम स्वीकार कर लेते, आराम से नवाब बन करके रहते, लेकिन नहीं। आप सोचिए एक बार सुभाष चंद्र बोस के कुछ सैनिक पकड़ लिए गए, एक जासूस जो सुभाष चंद्र बोस की सेना में भर्ती हुआ था धोखे से उनको पकड़वा देता है। अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस के विषय में पता करने के लिए
पहले तो उनको नग्न करके बर्फ पर लिटाया, तो भी कुछ नहीं बताया। नाखूनों में आलपीन ठोकवा दिया, तो भी नहीं बताया। आपको एक कांटा चुभ जाता है उंगली में तो कितना पीड़ा होती है। उन सैनिकों की नाखूनों में आलपीन ठोकवा दिया, तो भी उफ नहीं किया। शौचालय के गटर में डाल दिया, तो भी नहीं बोला। फिर उनको पंक्ति में खड़ा कर गोलियों से भून दिया गया। ये है देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण निछावर करने वाले उन वीरों की कहानी। वैसे ही समाज के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में या प्रशासन के क्षेत्र में हमेशा सत्य का पक्ष लेना चाहिए। नहीं सत्यात् परो धर्म त्रिश लोकेश विद्यते मिथ्या स्मम नस्ति पापम तस्मात् सत्यम समाचरित। तीनों लोकों में सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, इसलिए सत्य से सत्य का आचरण करना चाहिए। झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। कभी अधर्म के मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिए। हार जीत की चिंता न कीजिए, मान अपमान की चिंता न कीजिए। जो अंग्रेजों के चाटुकार थे वो सोचते थे कि हम जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। आज जब देश स्वतंत्र हुआ कहीं मुंह दिखाने की उनकी जगह नहीं थी। इसलिए परिणाम की चिंता न कीजिए। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे तो एक दिन विजय आपकी ही होगी। सत्यमेव जयते न नृतम, सत्य की विजय होती है झूठ की नहीं। सत्येन पंथा विदितो देवयाना, सत्य से ही मोक्ष मार्ग का विस्तार होता है। यह बात हमेशा ध्यान में रखिए, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। इसलिए अपना लाभ या हानि कभी नहीं सोचना चाहिए। धर्म की लाभ, धर्म की हानि या धर्म का लाभ क्या है, यह विचार करके जो धर्म का मार्ग है उसका अनुसरण करना चाहिए। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, भीष्म पितामह के पास पांचों पांडव पहुंचते हैं। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, युधिष्ठिर, तुम्हारी विजय इसलिए हुई है क्योंकि तुम धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहे हो। तुमने अपना लाभ हानि नहीं देखा, धर्म के कारण ही तुम्हारी विजय हुई है और आज तुम सम्राट बनने वाले हो। आशय क्या है? मनुष्य भी यही सोचता है, अरे किसी से घूस ले लो कौन देखता है। किसी का धन छिपा लेते हैं हम, सोचता है कि कौन देख रहा है, धन आ जाएगा। धन वो आपके पास कितने दिन रहेगा? इसलिए त्याज्यम न धैर्यम विद्रोहे अपकाले, कितनी भी बड़ी विपत्ति हो जाए धैर्य का साथ नहीं छोड़िए। हमेशा जीवन में धैर्य बनाए रखिए कि परमात्मा हमारे साथ है, यही तो होगा। आप देखेंगे इतिहास के पन्नों पर पूरा राजस्थान क्या पूरा देश अकबर के चरणों में नतमस्तक हो गया था। महाराणा प्रताप जंगल जंगल भटक रहे हैं, सेना नष्ट हो चुकी है, राज सत्ता जा चुकी है, अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, घास की रोटी भी मुश्किल से मिल रही है। फिर भी महाराणा प्रताप का धैर्य नहीं टिका और एक दिन पुनः वे महाराणा बने। यदि महाराणा प्रताप ने भी अपना धैर्य खो दिया होता तो आज महाराणा प्रताप को महापुरुष नहीं माना जाता। मानसिंह के कोई जय नहीं लगाता। पूरे देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मानसिंह की जय बोलता हो, जयचंद की जय बोलता हो, मीर जाफर की जय बोलता, कोई नहीं बोलता। जिन्होंने अपने प्राण हथेली पर रखकर धर्म की रक्षा किए, देश की रक्षा किए, आज देश हजारों वर्ष बीतने के पश्चात उनको याद करता है। इसलिए सुख और दुख की चिंता किए बिना हमेशा सत्य और धर्म का पक्ष लेना चाहिए। यदि आप सत्य के साथ हैं तो याद रखिए, आप वन में भी रहेंगे तो आपके साथ सर्वशक्तिमान परमात्मा रहेगा। यदि आप अधर्म की राह पर चल रहे हैं, हीरे मोतियों के महल में भी हैं, तो एक न एक दिन आपके हीरे मोतियों का महल ढह जाएगा। अब श्री जी उन सुंदर साथ को सांत्वना देते हैं, सबको शाबाशी देते हैं। चिंतामणि, लालदास, शेख बदल, श्याम भाई, राम राय, राय और श्याम भाई, ये लालदास जी के परिवार के थे। राम राय उनके दामाद थे, श्याम भाई उनकी बेटी थी और लाल भाई उनके धर्मपत्नी। सबको सांत्वना देते हैं, सबको वरद, सबको आशीर्वाद देते हैं, तुमने सब सुंदर साथ की सेवा है की है, राज्य तुम्हारे ऊपर मेहर करें। अब
श्री जी पत्र लिखते हैं कि देखो, मैं यहाँ बैठा रहूँ तो कोई लाभ होने वाला नहीं है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से निकलूँ, राजस्थान की तरफ जाऊँ और वहाँ के राजाओं को जागृत करूँ, क्योंकि ये मुसलमान शरीयत के कट्टर अनुयायी हैं, ये कभी भी सीधे प्रेम से मानने वाले नहीं हैं, तलवार का मुकाबला तलवार ही करेगी। जब औरंगजेब के विरुद्ध कोई राजा खड़ा होगा तब औरंगजेब बात सुनेगा, ऐसे नहीं सुनेगा। यहीं पर इसी संबंध में कीर्तन है जो आपने सुना कि राजा ने मलोरे राणी राय तरो, धर्म जातारे कोई दौड़ो, जागो रे जोधा रे उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो। देश के राजाओं को उन्होंने पुकारा कि राजाओं तुम क्या कर रहे हो, त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को तामे उत्तम हिंदू धर्म, ताके छत्रपतियों के सिर इत आए रही शरम, तुम भारत में पैदा हुए हो, तुम्हें त्रिलोकी में स्वर्ग से बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है यह भारत भूमि, पृथ्वी लोक स्वर्ग और बैकुंठ में भी यह श्रेष्ठ है भारतवर्ष। ये तो वाणी कहती है लेकिन गुलामी की जंजीर ने भारतवासियों के मन में ऐसी हीन भावना भर दी कि आप जानते हैं इंग्लैंड को भारतवासी क्या कहते थे, विलायत। विलायत का अरबी में अर्थ होता है परमधाम। इंग्लैंड को परमधाम कहते थे और अपने देश को घृणा की दृष्टि से देखने लगे थे यहाँ के राजा और नवाब, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ के छोटे छोटे जमींदारों को राय बहादुर कह दिया, मुसलमानों को खान बहादुर कह दिया, बस ये पागल हो गए, अपने यहाँ की गरीब प्रजा पर अत्याचार करने लगे। जो देश सारी विश्व का सिरमौर था सृष्टि के प्रारंभ से लेकर महाभारत काल तक, 1,96,08,53,000 वर्षों में चक्रवर्ती सम्राट केवल भारतवर्ष में हुए हैं जिन्होंने पृथ्वी पर एक छत्र राज किया है, चाहे रसिया हो, चाहे अरब की धरती हो, चाहे अमेरिका हो। अमेरिका में मैं सभ्यता थी, महाभारत में लिखा हुआ है कि अमेरिका में अर्जुन का विवाह हुआ था नाग कन्या उलोपी के साथ। चीन हो, जापान हो, सब जगह भारतीय संस्कृति फैली थी। रावण का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और रावण के पिता, रावण के दादा महर्ष पुलस्त भी ऑस्ट्रेलिया गए थे भारत से धर्म का प्रचार करने के लिए। पूरे विश्व में भारत के ज्ञान की पताका फहराया करती थी, पूरे विश्व पर भारतीय संस्कृत का शासन था। वहाँ के लोग शिक्षा और स्वाभिमान से इतने रहित हो गए कि अपने देश को तुच्छ समझने लगे। श्री जी कहते हैं कि हिंदुओं, त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को तामे उत्तम हिंदू धर्म, और तुम भरत खंड में पैदा होकर तुम्हें अपने धर्म की गरिमा का ख्याल नहीं, तुम्हें युद्ध करने में शर्म आती है। जितने राजस्थान के राजपूत राजा थे, चाहे जसवंत सिंह हो, चाहे जय सिंह हो, औरंगजेब के दरबार में सिजदा बजाया करते थे, स्वाभिमान किसी का नहीं। एक बार बिहारी जी ने मिर्जा राजा जय सिंह को एक दोहा बना करके लिखा कि स्वार्थ सुकृत नहीं श्रम वृथा, देख विहंग विचार बाज पराये पान पर तू पक्षी न मार। इस दोहे में क्या कहा गया है कि आए बाज पक्षी, तुम शिकारी के लिए कमजोर पक्षियों को मारा करते हो, जिन पक्षियों को तुम मारते हो उसका मांस तो तुम्हें खाने को नहीं मिलता, उन पक्षियों का मांस तो शिकारी ले लेता है, तुमसे तो पक्षियों को मरवाता है, तुझे क्या मिल रहा है। मिर्जा राजा जयसिंह समझ गए कि यह संकेत मेरे लिए है और फिर उन्होंने औरंगजेब से धीरे धीरे अपना संबंध कम कर लिया। हमेशा से अकबर के समय से ये चला आ रहा है, जयपुर का कछवाहा घराना हमेशा देश के विपरीत लड़ता रहा, अकबर के साथ रहा। औरंगजेब के ज़माने में जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब की तरफ से लड़े। जसवंत सिंह ने और मिर्जा राजा जयसिंह ने काबुल से लेकर दक्षिण भारत तक हिंदुओं को मुगलों के अधीन किए रखा। यदि मिर्जा राजा जयसिंह और जसवंत सिंह अकबर का, औरंगजेब का साथ नहीं
देते तो शायद मुगल सल्तनत समाप्त हो सकती थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने यहाँ के लोगों को मारा है। उनमें स्वाभिमान नहीं था, अभिमान था, और इसी अभिमान की प्रवृत्ति से यह देश हजार वर्षों की गुलामी को झेलता रहा। किरंतन में कहा गया है कि वेद पढ़ने वालों, व्याकरण पढ़ने वालों, तुम क्या करोगे जब देश ऐसे ही सोया रहेगा। तो आज भी देखिए, इस देश में 70 लाख महात्मा हैं कहने के लिए, लेकिन वो 70 लाख महात्मा यदि सभी शिक्षित होते, सभी ध्यान करते, धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करते, जगह जगह जाकर के हिंदुओं को सत्य मार्ग बताते कि तुम्हारी गरिमा यह है, तुम्हारी संस्कृति ऐसी श्रेष्ठ है, सत्य के मार्ग पर चलो, तो आज धर्म के नाम पर जो हिंदू समाज में आडंबर है वो कभी भी नहीं होता। सत्य और पुरुषार्थ का आश्रय ही किसी भी समाज, किसी भी राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होता है। जब सत्ता का वर्ग और संन्यास वर्ग राह से भटक जाता है तो सारा समाज भी भटक जाता है। अब श्री जी ने वहाँ से चलते हैं कामा पहाड़ी से होकर, श्री जी कामा पहाड़ी में ठहरे होते हैं, शेख बदल और कांजी भाई वहीं आकर के पत्र दिया करते हैं। सुंदर साथ ने स्वीकृति दे दी कि धामधनी अब आपकी जो इच्छा हो, यदि राजस्थान जाने से, राजाओं को खड़ा करने से औरंगजेब को संदेश दिया जा सकता है, जागने का कार्य बढ़ सकता है, तो आप यह कार्य कीजिए। श्री जी वहाँ से चल देते हैं, साथ में मलुक चंद हैं और छबील दास जी। आप सोचिए, कामा पहाड़ी पड़ती है दिल्ली और आगरे के बीच में, एक स्थान है कामा पहाड़ी, एकांत का स्थान था। वहाँ से चल पड़ते हैं, पैदल चलते हैं उदयपुर के स्थान पर, उदयपुर की तरफ चल देते हैं रास्ते में। अब इधर से जब सुंदर साहित ने कह तो दिया, फिर सोचा कि श्री जी के पास तो कुछ धन है ही नहीं। अब वहाँ से शेख बदल तुरंत वहाँ चल पड़ते हैं 300 रुपये लेकर, और श्री जी सबसे पहले कामा पहाड़ी से चलकर आमेर आते हैं। आमेर क्या है? जयपुर का राजा, जयपुर से अलग, आज के वर्तमान जयपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर आमेर का किला है। वही आमेर के किले में जयपुर का महाराज रहा करता था, उसका नाम था विष्णु सिंह। श्री जी ने उसको पत्र लिखा, पत्र के माध्यम से समझाना चाहा कि तुम राजस्थान के हिंदू राजाओं को लेकर औरंगजेब से युद्ध करो धर्म की रक्षा के लिए। उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जयपुर के संस्कार में कभी राष्ट्रीय भावना भाई नहीं। परिणाम क्या हुआ? ये देश सैकड़ों वर्षों तक दुर्दशा झेलता रहा। हर व्यक्ति में स्वाभिमान होना चाहिए। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, हिटलर ने 190 वायुयानों से लंदन पर हमला कर दिया। पहले दिन ही 190 वायुयान से बमबारी होने लगी। आप सोचिए, 1942 की बात है लगभग, जब विश्व युद्ध चल रहा था। प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ती गई। वहां की संसद बैठी, संसद में चर्चिल प्रधानमंत्री था, उसने कहा कि इंग्लैंड का जितना बजट है शिक्षा में खर्च करो। सारी संसद विपरीत हो गई कि जिस देश पर बम गिर रहा हो उस देश का बजट शिक्षा में क्यों खर्च किया जाए, हथियार पे क्यों नहीं खर्च किया जाए। चर्चिल ने कहा कि यह बात सुन लो, जिस देश का हर व्यक्ति शिक्षित है वह देश कभी भी गुलाम नहीं हो सकता, उस व्यक्ति के अंदर जज्बा होना चाहिए अपने देश के लिए। और यही हुआ। एडॉल्फ हिटलर सारी दुनिया पर राज करना चाहता था, उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ लेनिनग्राद पर हमला कर दिया, लेकिन उसको यह अंदेशा नहीं था कि हर रशियन युद्ध में कूद पड़ेगा। उस लेनिनग्राद की एक एक इमारत में युद्ध चलता रहा और पूरी जर्मनी की सेना को उन्होंने छक्के छुड़ाकर पीछे हटने के लिए विवश कर दिया, क्योंकि रशिया का हर व्यक्ति अपने देश के लिए लड़ रहा था, इंग्लैंड का हर व्यक्ति अपने देश के लिए लड़ रहा था,
भारत का हर व्यक्ति अपने देश के लिए नहीं लड़ रहा था। 1857 का जो गदर हुआ उसमें देश के सबसे जो लड़ाकू थे मराठे, गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, ये नेपाल के गोरखे, पंजाब के सिख, सब अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। छोटे छोटे राजा, कुछ जमींदार और जनता, सैनिक मिलकर ही अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे थे। जो बड़ी बड़ियाँ शक्तियाँ थीं वो तो अंग्रेजों के समर्थन में थी। इसलिए 40 करोड़ हिंदुस्तानियों पर सैकड़ों, केवल कुछ सौ अंग्रेजों ने राज किया। 2 करोड़ लंदन में इंग्लैंड की जनसंख्या थी, इंग्लैंड की जनसंख्या 2 करोड़ थी और उस समय भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी। भारत ही नहीं, केवल 2 करोड़ अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर राज किया। क्यों? भारत में कुछ हजार अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में कितने आए थे, लेकिन जहाँ का व्यक्ति शिक्षित ही नहीं होगा वो करेगा क्या? आज भी भारत की जनसंख्या 125 अरब है। जर्मनी आपके यूपी से भी छोटा है, लेकिन जर्मनी के सामने भारत का पूरा यूपी कहाँ ठहरता है? क्योंकि यूपी में क्या है? जातिवाद, अशिक्षा है, गंदगी है। यहाँ के लोगों को अपने गांव से प्रेम नहीं है, नगर से प्रेम नहीं है, प्रांत से प्रेम नहीं है, देश से प्रेम नहीं है। कचरा सड़क पर ही डालेंगे, शिक्षा के लिए वो व्यवस्था नहीं। जिस देश का हर व्यक्ति शिक्षित हो, संस्कारित हो, वो देश कभी भी पराधीन नहीं होता। देश को गुलाम बनाया किसने? इस देश के देशद्रोहियों ने ही तो बनाया। चाहे मीर जाफर के रूप में मानिए, जयचंद के रूप में मानिए, मानसिंह के रूप में मानिए, या किसी के रूप में मानिए। जब ज्ञान का प्रकाश होता है, जहाँ का हर व्यक्ति ज्ञानवान होगा, वह व्यक्ति धार्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध होगा। सबकी आधारभूत संरचना का मूल क्या है? शिक्षा और संस्कार। अब ज्ञान का प्रकाश चाहिए। सारा देश सो रहा है, लेकिन श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में अक्षरातीत कावेश लीला कर रहा है। वो अकेले चल देते हैं राजस्थान के राजाओं को जगाने के लिए। आप सोचिए, चारों शंकराचार्य तो उस समय भी थे, बड़े बड़े अखाड़े थे, बड़े बड़े मंडलेश्वर थे, किसी को क्या चिंता? सब अपने मठों में बैठे आराम कर रहे हैं। राजस्थान के सारे रजवाड़े अपने अपने महलों में आराम कर रहे हैं। उनको ये लेना देना नहीं कि हम हजार सालों से गुलाम बने हुए हैं। एक सिंह को कहिए कि तुम पिंजरे में रहो, आराम से तुमको खाना देते रहेंगे। सिंह को स्वीकार नहीं। पिंजरे के पक्षी को मालूम है कि अपने आप फल चुनकर खाना कितना आनंदमय होता है और पिंजरे में बंद रह करके खाना कितना कष्टकारी होता है। लेकिन इस देश के लोगों को तो गुलाम रहने की आदत ही पड़ गई है। 700 साल से, हजार वर्षों की गुलामी ने ये संस्कार डाल दिए हैं कि हमें अपनी भाषा पर गर्व नहीं, अपनी वेशभूषा पर गर्व नहीं, अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं। अब श्री जी विष्णु सिंह को काफ़ी समझाने का प्रयास करते हैं पत्र के माध्यम से। जब देखा कि ये तो कोरा जीव है, तो वहाँ से सांगानेर आ जाते हैं। एक दो दिन रहकर सांगानेर जब आते हैं, उधर मुकुंददास जी उदयपुर पहुँचे हुए थे। वो सोचते हैं कि श्री जी के साथ औरंगजेब का धर्म युद्ध हुआ है, धर्म युद्ध यानी धर्म के संबंध में लड़ाई। उस श्री जी से मिलने के लिए वहाँ चल जाते हैं। तो जब वो आमेर आते हैं तो पता चलता है कि श्री जी तो आमेर से चले गए हैं, पुनः सांगानेर आते हैं। उधर से शेख बदल आ रहे होते हैं। शेख बदल की भेंट हो जाती है मुकुंददास जी से, जो रास्ते में मवासी आदिवासी होते हैं। उनको शक हो जाता है कि इन लोगों के पास लगता है पैसे हैं। वो पीछा करते हैं, फिर किसी तरह से ये दोनों अपनी सुरक्षा करके पहुँचते हैं। श्री जी आगे जब जाते हैं श्री जी के पास, तो देखते हैं कि एक पूर्व मंडल गांव है उधर के क्षेत्र में, सांगानेर के क्षेत्र में। श्री जी एक दुकान के बाहर बैठे होते हैं और मलुक चंद और छबील दास खड़े होते हैं श्री जी की सेवा में। कई दिनों से अन्न का दाना भी खाने को नहीं मिला होता है। आखिर क्यों? श्री जी यदि चाहते
तो संकल्प मात्र से वहाँ हीरे पैदा कर सकते थे। आप सुनेंगे पन्ना जी के बीतक में छत्रसाल जी को तो यही आशीर्वाद दिया था कि छत्रसाल सवेरे से लेकर शाम तक अपना घोड़ा दौड़ा लो, जहाँ तक तुम्हारा घोड़ा दौड़ लेगा वहाँ की धरती हीरा उगलने लगेगी। जो स्वरूप आशीर्वाद मात्र से पन्ना की धरती को हीरों का बना सकता है, वो स्वयं कई दिनों से भूखा है, किस लिए? आने वाले समय में सब सुंदर साधकों और समाज को यह शिक्षा देने के लिए कि यह जो संन्यास जीवन बना है कष्टों को सहने के लिए बना है, यह 60 लाख की विदेशी गाड़ी में घूमने के लिए नहीं बना है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके चरण कमल पड़ने से यह ब्रह्मांड पवित्र हो गया, यह ब्रह्मांड अखंड मुक्ति का अधिकारी हो गया, वो स्वरूप कई दिन से भूखा है। और आज तो हम जो भी आनंद पा रहे हैं अपने मंदिरों में, आश्रमों में, संस्थाओं में, प्राणनाथ जी की कृपा से ही तो पा रहे हैं। यदि उनकी वाणी नहीं होती तो हमें पूछता भी कौन? इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो धन हमारे पास आता है उसको हम सोच विचार कर खर्च करें। हमें अपनी सुख सुविधा के लिए खर्च करने का अधिकार नहीं है। जागने के कार्य में हर तरह का कष्ट आएगा, भूखों भी रहने पड़ेंगे, समाज के पत्थर भी खाने पड़ेंगे, अपशब्दों को भी खाना पड़ेगा, लेकिन संसार के कल्याण के लिए हमें सब कुछ सहन करना होगा। यह मार्ग दर्शाने के लिए स्वयं श्री जी ने यह लीला करके दिखाई कि देखो मैं कामा पहाड़ी से पैदल चलकर आया हूँ और इतने दिनों से मुझे खाना नहीं मिला। आज हम श्री जी के उस आदर्श से शिक्षा लेना नहीं चाहते और यही कारण है कि आज हम फिसड्डियों की पंक्ति में हैं। यदि हमने अपने संस्कारों में उन आदर्शों को स्थान दिया होता तो शायद हमारा इतिहास कुछ और होता। जब सम्राट अशोक ने अपने बौद्ध विहारों में बहुत अधिक धन दान में दे दिया, परिणाम क्या हुआ? बौद्ध मठों में इतना धन आ गया कि भिक्षु विलासी और दुराचारी हो गए, बौद्ध धर्म का पतन हो गया। धार्मिक संस्थाओं में धन आना चाहिए लेकिन उस धन का सदुपयोग होना चाहिए। उस धन का सदुपयोग यदि शिक्षा की परंपरा है तो वो धार्मिक संस्थान चलते रहेंगे। जब तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा दीक्षा रही तब तक धन उसमें व्यय होता रहा। बड़े बड़े आश्रमों में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, करोड़ों रुपये की आमदनी है तो आखिर होगा क्या? उस धन से सुख सुविधाएँ बढ़ेगी, मांगी मांगी गाड़ियाँ आएंगी, ऐसी कमरे आएंगे, खान पान राजाओं जैसा होगा, तो वहाँ ज्ञान ठहरेगा नहीं, वैराग्य ठहरेगा नहीं, भक्ति भाव नहीं ठहरेगा, पतन वहाँ से प्रारंभ हो जाता है। इसलिए धार्मिक संस्थाओं में जो ज्ञान आता है वो मानवता के कल्याण में खर्च होना चाहिए, शिक्षा में खर्च कीजिए, समाज को पथ प्रदर्शित करने के लिए साहित्य में खर्च कीजिए, दीन दुखियों आदिवासियों के कल्याण में खर्च कीजिए धर्म का पैसा, तो धार्मिक स्थान यावत चंद्र दिवाकरो, जब तक सूर्य चंद्रमा चमकते रहेंगे तब तक वह स्थान बना रहेगा। लेकिन यदि स्थानों में भौतिक संसाधन बढ़ जाते हैं, ज्ञान का प्रकाश हट जाता है, भक्ति की धारा हट जाती है, तो वो स्थान निश्चित रूप से उजाड़ बन जाएंगे, क्योंकि वह धन आया है, गृहस्थों ने खून पसीने कमा करके वह धन दिया है और उस धन का उपयोग संसार के कल्याण में ही होना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता को हम खर्च करें, अनुचित यदि हम करेंगे, भोग विलास में खर्च करेंगे, विलासिता में खर्च करेंगे, तो निश्चित है कि पतन शुरू हो जाएगा। हाँ, यदि हमने ज्ञान की ज्योति को जलाए रखा तो कोई चिंता की बात नहीं। आपके पास 100 अरब रुपये आते हैं, 100 अरब रुपयों को शिक्षा में लगा दीजिए, मानवता के कल्याण में लगा दीजिए और आएगा, लेकिन विलासिता के संसाधन आराम के संसाधन न बनने दीजिए, क्योंकि जहाँ आराम हो का प्रचलन बढ़ जाएगा वहाँ अकर्मण्यता बढ़ेगी, अकर्मण्यता बढ़ेगी पुरुषार्थहीनता आएगी, पुरुषार्थहीनता आएगी तो ज्ञान और भक्ति में वैराग्य से मन हट जाएगा, परिणाम विषय वासना की ज्वाला धधकने लगेगी, और जब यह होगा तो लोगों की श्रद्धा हट जाएगी, स्थानों की गरिमा समाप्त हो जाएगी। आज सभी अधिकतर धर्म स्थानों में यही देखने को मिल रहा है। यही कारण है
कि श्री जी ने ऐसी लीला की, स्वयं भूखों हैं, कई दिन से भोजन नहीं मिला, कुछ है ही नहीं। जिनके वरद, जिनकी चरण धूलि पाने के लिए लक्ष्मी जी तप करती रही और पौराणिक मान्यता के अनुसार पद्मावतीपुरी में किलकिला के रूप में प्रवाहित होकर प्रतीक्षा कर रही है, आप देखेंगे परसों ये वर्णन सुनने को मिलेगा। वह स्वयं अक्षरातीत इस दुनिया में भूखों विचरण कर रहे हैं। आप सोचिए, शंकराचार्य जब संन्यास लेने के लिए अपने माँ से सुकृति मांगते हैं, उस समय उनके पास केवल 16 वर्ष की अवस्था है। 16 वर्ष के उस बालक ने तो कभी यह नहीं सोचा कि मैं कैसे जाऊंगा, रास्ते में क्या खाऊंगा। सन्यासी है, भिक्षा मांगकर भोजन कर लेंगे। केरल में है, पैदल चल पड़ते हैं कि मैं पूरे देश को एक कर लूंगा। ध्यानंद पैदल चल पड़ते हैं, विवेकानंद ने पूरे पैदल की पूरे देश की यात्रा की। बुद्ध ने जीवन भर पैदल यात्रा की। करतल भिक्षा तरतल वास, महावीर स्वामी ने वस्त्र भी छोड़ दिए। आखिर परमधाम के ब्रह्मणि सुंदर साथ हैं, उनको मार्गदर्शन तो देना ही होगा। कल को जब न्याय का दिन हो तो दुनिया उन पर हंसी उड़ाए कि परमधाम के ब्रह्मणियों ने कौन सा त्याग कर लिया, हम तो माया के जीव थे, हमने तो उनसे ज़्यादा त्याग करके दिखा दिया है। इसलिए श्री जी को वैसा आचरण करके दिखाना पड़ रहा है। अब छठे दिन की लीला में सुंदर साथ को इस बीतक की इस घटनाक्रम से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारा जीवन तप और त्यागमय होना चाहिए। यदि हमारे पास 1 करोड़ रुपया आता है तो इसलिए नहीं है कि हम 60 लाख की गाड़ी खरीद लें और उस पर से घूमते रहें, हम जनता की चिंता ही न करें। आप जब मुकुंददास जी देखते हैं कि ये हालत है तो बाजार से भोजन मंगाया जाता है और तब सब भोजन करते हैं। आप सोचिए, वहाँ से चलकर कामा पहाड़ी से चलकर जयपुर जाने में कितने दिन लगे होंगे और श्री जी को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। इसको कहते हैं धर्म प्रचार। एक धर्म प्रचारक हैं टीवी पर जिनके बहुत प्रवचन आया करते हैं। कुछ वर्ष पहले की बात है, वे बुलंदशहर में, शायद बुलंदशहर में या आगरा में प्रवचन कर रहे थे। प्रतिदिन दिल्ली से आगरा जाते थे, दिल्ली से आगरा या मथुरा जाते थे, यही शहर का नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, दिल्ली और आगरा में ही जाते होंगे संभवतः। उन्होंने पूछा कि क्या आगरा में 5-स्टार होटल है कि नहीं। आयोजकों ने कहा कि नहीं, 3-स्टार तो है, 5-स्टार होटल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दिल्ली से आऊँगा जाऊँगा, आगरा में नहीं ठहर सकता हूँ। आप सोचिए, एक धर्म प्रचारक दिल्ली से प्रतिदिन आना जाना स्वीकार करता है लेकिन आगरा इसलिए नहीं रह सकता कि 5-स्टार होटल नहीं है, तो धर्म प्रचार कैसे होगा। धर्म प्रचार इसलिए नहीं हुआ है 5-स्टार होटलों में ठहरने के लिए। बुद्ध ने जीवन जन्म लिया वृक्ष के नीचे, बुद्धत्व प्राप्त किया वृक्ष के नीचे, तन छोड़ा वृक्ष के नीचे, संसार से कोई आशा नहीं रखी। जो संसार को देने आया है वो संसार से क्या लेगा, सुख सुविधाओं के लिए तो आया नहीं है। सोने के महलों में कोई आनंद नहीं होता, ये तो इंद्रियों का आनंद है। ने त्रिगुणे पथ विचरता को विधि को निषेधा, जो त्रिगुणातीत मार्ग का विचरण करने वाला है उसके लिए लौकिक नियम बाधित नहीं होते। संन्यास जीवन इसलिए नहीं बना है कि 10 लोग जय जयकार करते फिरें, अब हमारे सिर पर छत्र चमर फिराए जाएं और हम चांदी के सिंहासन पर बैठकर राजा की का जीवन बिताएं। संन्यास इसके लिए नहीं है, संन्यास तो उसके लिए है। आप रामायण के पन्नों को पलटिए, लक्ष्मण कोई सन्यासी नहीं थे लेकिन यति थे। गृहस्थ में रहते हुए भी 14 वर्ष तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है। मैथिली शरणगुप्त ने बहुत अच्छी उनके ऊपर पंक्तियाँ बनाई है, बैठा हुआ है कौन धरुधर जबकि भुवन भर सोता है, राजभोग के युग विपिन में बैठा यह वैराग्य लिए, सारा संसार सो रहा है लेकिन यह लक्ष्मण एक चीता पर बैठे हुए ध्यान, एक शिला पर बैठे हुए ध्यान में मग्न है। इतना सुंदर शरीर है लेकिन इसको अपने शरीर की चिंता नहीं। जिसने अपने 14 वर्षों में किसी स्त्री के मुख को नहीं देखा हो,
आधी रात को भी आसन जमाए ध्यान कर रहा है। यह देश तो तब आगे बढ़ेगा जब इस देश में वैसे सन्यासी पैदा होंगे। यदि सन्यासी 50 लाख 60 लाख की कारों में भ्रमण करेंगे, सुख सुविधाओं के बिना रह नहीं सकते, गरीबों से मिल नहीं सकते, जरा सी गर्मी जरा सी ठंड का कष्ट नहीं झेल सकते, तो धर्म प्रचार नहीं हो पाएगा। इसलिए जिन जिन त्यागियों ने, तपस्वियों ने, योगियों ने, यतियों ने धर्म की मर्यादा को निभाया है, आने वाले समय में सुंदर साधु को भी उसका मार्ग का पालन करना पड़ेगा। तभी धर्म का प्रचार होगा, तभी जनता की श्रद्धा होगी। बुद्ध चाहते तो कपिल वस्तु का सारा सिंहासन तो उन्हीं का ही था, चाहते तो अपने लिए कोई रथ मंगवा सकते थे, अच्छे भोजन मंगवा सकते थे। लेकिन हमारी संस्कृति में संन्यास की मर्यादा है, जो सन्यासी बन जाता है घर की संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं होता, वो तो भिक्षा में जो मिला उसी को ग्रहण कर लेता है। भर्तृहरि जो सारे भारत के सम्राट थे, जिनके छोटे भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भारत का शासन संभाला था, जब वो भी संन्यास लिए तो घर घर जाते हैं, भिक्षा में जौ का सत्व मिल गया उसी से अपना आहार का काम पूरा करते हैं। इसलिए संन्यास वर्ग को, सन्यासी वर्ग को अपने जीवन में तप, त्याग, भक्ति, ज्ञान का प्रवेश कराना पड़ेगा। जो आज चकाचौंध आ गई है भौतिकता की, चांदी के सिंहासन की, महंगी महंगी गाड़ियों की, आराम करने की, यह प्रवृत्ति घातक है। एक बार परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी किसी के घर गए, उस व्यक्ति की उन पर श्रद्धा तो थी नहीं, उसने महाराज जी को एक ऐसे घर में ठहरा दिया जिसमें पशु बांधे जाते थे, पुआल बिछा दिया, उस पर पुराना सा कंबल दे दिया और रात को खाने के लिए मोटी मोटी दो रोटियां दे दी। महाराज जी चुपचाप खा गए और उसके पुराने फटे कंबल पर सो गए और सवेरे उठकर कहा कि भाई अब मेरी जाने की इच्छा है, एक शब्द नहीं कहा। उसकी पत्नी कहीं गई हुई थी और जब आई तो फूट फूट कर रोई थी कि महाराज जी बिना बताए आप मेरे घर आए, मेरा पति तो नास्तिक है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि उसने कुछ नहीं आपकी सेवा की होगी। महाराज जी कहते हैं अरे मुझे तो बहुत आनंद आया उन दो मोटी मोटी रोटियों में और उस कंबल पर, आप बताइए जिनके चरणों की कृपा से कितने सुंदर साथ करोड़पति बन गए, वो गौशाला में पुआल पर पुराने कंबल पर ही अपनी रात गुजारता है। हम जितने सादगी में रहेंगे उतने ही महान बनेंगे। वैभव का प्रदर्शन करना अध्यात्म को स्वीकार नहीं। अब श्री जी जब भोजन कर लेते हैं तो मुकुंद दास जी में वैराग्य तो था लेकिन अभी समर्पण का पाठ उन्होंने नहीं सीखा था। कहते हैं कि श्री जी क्या आवश्यकता थी मुसलमानों से लोहा लेने की, इनकी बादशाहत है ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुकुंद दास जी के मन में था कि देखें श्री जी कहीं मनोबल तो छोड़ नहीं बैठे हैं। श्री जी ने कहा कि मुकुंद दास तुम क्या कहते हो, जड़ बुनियाद उखाड़ो इन्हें, बीतक में स्पष्ट लिखा है कि जाओ ये देखना मैं इस मुगल सल्तनत की जड़ उखाड़ दूंगा। और यही हुआ। श्री जी के मुख से निकला हुआ यह वाक्य मुगल सल्तनत के लिए अभिशाप बन गया। उसी समय से पूरे विश्व में मुगलों की सल्तनत समाप्त होने लगी और कृष्णों की सल्तनत बढ़ने लगती है। मुकुंद दास जी देखते हैं कि श्री जी के अंदर तो अभी इतनी शक्ति है क्योंकि श्री जी के स्वरूप को उन्होंने पहचाना नहीं था, ज्ञान से पहचाना था, इनके पास अलौकिक तत्व ज्ञान है। लेकिन जब तक अनुभव न हो पहचान क्या होती। इसलिए अब मुकुंद दास जी को पन्ना जी में जब प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं फूट फूट कर रोते हैं कि मैं आपके स्वरूप की पहचान नहीं कर पाया था। अब मुकुंद दास जी श्री जी के साथ रहने लगते हैं, सारी बातें होती हैं, शेख बदल तो अपना 300 रुपया दे देते हैं लेकिन मुकुंद दास जी को पैसे का मोह लगा रहता है, मुकुंद दास जी अपनी सेवा चरणों में नहीं अर्पित करते। ये बहुत विकृति है।
जगह जगह जा करके चर्चा सुनाए होते हैं, धन मिला होता है, साल दुसाले रखते हैं, कपड़ों का मोह है, घर द्वार तो छोड़ दिए, मोह नहीं गया। यानी लोहे की सांकल का तो तोड़ दिया, रेशम की रस्सी से स्वयं को बांध लिया। रेशम की रस्सी जानते हैं क्या है? प्रतिष्ठा, सुख सुविधा, और ये संन्यास जीवन में भी लगी रहती है। लोहे की सांकल है, घर द्वार तो छोड़ दिया, लेकिन प्रतिष्ठा का मोह नहीं गया, चढ़ावे का मोह नहीं गया, शिष्यों के प्रति ये आशा बनी रहती है कि ये शिष्य हमको इतना दें, यह भी एक बहुत बड़ी माया है। तभी तो श्री जी ने चिंतामणि को कहा था, एक छोड़ी तो दूजी भी डारो, जराए देव चतुराई। चिंतामणि, तुमने घर द्वार छोड़ा, लेकिन शिष्यों की मंडली इकट्ठी करके तुम यहाँ गादीपति महंत बन गए हो, ये भी एक माया है, इसको भी तुम्हें छोड़ना होगा यदि तुम्हें सत्य का बोध करना है तो। इसलिए समर्पण की भावना न होने से मुकुंददास जी श्री जी के को वो धन राशि सौंप नहीं पा रहे हैं। श्री जी से कहते हैं कि धामधनी, यहाँ पर एक धनी बाबे का पंथ है, यहाँ जरगापंथी लोग रहते हैं जो धन जो कहते हैं कि हम धनी बाबा को मानने वाले हैं, और इसमें अपनी साक्षियाँ हैं। श्री जी कहते हैं तुम जाकर के उनको चर्चा सुनाओ, और जब उसमें उनमें जागृति हो, वे बुलाते हैं, तो मुझे सूचित करो, मैं वहाँ आने के लिए तैयार हूँ। अब श्री जी के आदेश से जाते हैं मुकुंददास जी, लाधु मसानी को जाकर के जागृत करते हैं उदयपुर में। लाधु मसानी कहता है कि श्री जी को यहाँ बुला करके लाओ। मुकुंददास जी वो सूचना लेकर के श्री जी के पास आते हैं। सबसे पहले मुकुंददास जी को भेजा जाता है आगरा, और आगरे में बाईजुराज सहित सब सुंदर साथ ठहरे होते हैं, महिला सुंदर साथ, उनको ले करके आने की सेवा मुकुंददास जी को दी जाती है। मुकुंददास जी ले करके आते हैं पुर गांव में, और उसके पश्चात श्री जी उदयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके साथ ही एक घटना होती है, दिल्ली में सुंदर साथ को रहते हुए 4 महीने बीत गए होते हैं। सुंदर साथ ने पत्र लिखा कि धामधनी, ये जो मुगल बादशाह है, इसके पास कोतवाल सिद्दीक फौलाद ने भी सारी सूचना पहुंचाती है कि हम इमाम मेहदी के अनुयायी हैं, काजी शेख इस्लाम ने भी सब कुछ बता दिया है, लेकिन औरंगजेब बादशाह अपनी सत्ता जाने के डर से हमसे बात नहीं करना चाहता, कट्टर शरीयत का अनुयायी है वो, तो जब तक किसी दूसरे तरीके को न अपनाया जाए ये मानने वाले नहीं हैं, आपकी स्वीकृति हो, आदेश हो तो हम आपके चरणों में आ जाएं, क्योंकि यहाँ बैठे रहने से कोई भी लाभ नहीं है। श्री जी पत्र में लिखते हैं कि सुंदर साथ, जब तक इन पर कादर का सोटा यानी परमात्मा का डंडा नहीं पड़ेगा, तब तक ये सत्ता के मध्य में जो अंधे हैं मुगल, कभी भी बात मानने वाले नहीं हैं, इसलिए आप मिलकर के वहाँ से चले आओ। अब सब सुंदर साथ काजी शेख इस्लाम से मिलते हैं, कहते हैं कि काजी साहब हम अपने हादी के पास जाना चाहते हैं। काजी शेख इस्लाम औरंगजेब से मिलकर कहता है कि जो इमाम महदी के आदमी थे वो जाने की स्वीकृति मांग रहे हैं। औरंगजेब कह देता है कि परसों लेकर आना। अगले दिन को छोड़कर यानी एक दिन के पश्चात काजी शेख इस्लाम 12 सुंदर साथ को लेकर औरंगजेब बादशाह के पास आता है। औरंगजेब सामने है, नजर नहीं मिला पा रहा है, भले ही वो बादशाह हो तो क्या, मोमिनों की आंखों के सामने उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि इनके सामने मैं आंखें उठाऊं, क्योंकि उसको मालूम था कि सचमुच इमाम मेहदी आ गए हैं, और ये इमाम मेहदी के भेजे हुए, एक तरफ मेरी सल्तनत है, एक तरफ इमाम मेहदी के चरण है, यदि इमाम मेहदी के पास जाता हूँ तो मुसलमान ही मुझे मार डालेंगे, नहीं जाता हूँ तो ये राजसत्ता मुझे मिली हुई है, मैं इसको क्यों छोड़ूं, वो बंधन में पड़ा हुआ है, क्योंकि इमाम मेहदी से मिलने की चाहत में ही वो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा था, ढाए हिंदुओं के खाने बुत, दिल में इमाम की जारत कयामत नमा में छुपाई आती है, उसको ये विश्वास था कि यदि मैं हिंदुओं के मंदिरों पर गिराऊंगा, उन पर अत्याचार करूंगा, तो इमाम मेहदी को मेरे सामने आना पड़ेगा, मैं उनके चरणों में पहुँच जाऊँगा,
लेकिन सोचता है कि यदि इमाम मेहदी के चरणों में पहुंच जाऊंगा तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा। बहमी है, चतुर चलाक भी है। अब वो कोई ना कोई रास्ता तो अपनाएगा, जहां भी प्राणनाथ जाएंगे उनके पीछे मुगल सेना भेज देगा, मुगल सेना से पकड़वा करके मिलना चाहता है। जब श्री जी स्वयं चल करके गए थे तो संसार को दिखाना चाहता था कि मैं क्यों उनसे मिलूं, मिल भी लिया, छिप करके मिला, लेकिन समाज में बात फैलने नहीं दिया। अब औरंगजेब सामने खड़ा है, सुंदर सास से आंखें नहीं मिला पा रहा है। जाते समय कहता है कि हे खुदा, इन पर खैर कर, इन पर मेहर की वर्षा कर। और अपने खजांची को आदेश दिया कि इन मोमिनों के खर्च के लिए 100 रुपये अदा करो। ये एक बहुत बड़ी विजय है। औरंगजेब के दरबार में जाकर 12 सुंदर साथ ने औरंगजेब को कठोर शब्दों में बोला और उल्टे औरंगजेब से रास्ते का खर्च भी लेकर के आए। इतिहास में घटना नहीं हुई है। औरंगजेब के सामने जाने वाला मौत को निमंत्रण देकर ही वापस लौटा है, चाहे गुरु तेग बहादुर हों या जो भी गया है, मती राम सती राम या हिंदुओं के बड़े बड़े, यहाँ तक कि सूफी फकीरों को भी उसने फांसी पर लटकवा दिया था। उससे दया की आशा करना ही व्यर्थ था। लेकिन वही औरंगजेब मोमिनों से आंखें नहीं मिला पा रहा है। अब सब सुंदर साथ दिल्ली से श्री जी के चरणों में चलने के लिए प्रस्थान करते हैं। जो दिल्ली के सुंदर साथ थे, चंचल, दयाराम, गंगाराम, बनारसी, शेखबदल, ये थोड़ा रुक जाते हैं क्योंकि उन्होंने तय कर लिया है कि अब श्री जी के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए चले जाना है, घर कभी वापस लौटना नहीं है। घर वालों से मिलने उनको अंतिम प्रणाम कर रहे हैं कि हमारे साथ चलना हो तो चलो, नहीं तो हमारा कोई संबंध नहीं। कुछ सुंदर साथ आ जाते हैं, चंचल, गंगाराम, दयाराम बाद में आते हैं, श्री जी के चरणों में पहुँचते हैं। श्री जी सबको गले लगाते हैं क्योंकि ये वो सुंदर साथ हैं जो श्री जी के निर्देश पर विश्व की सबसे बड़ी क्रूर, जो सरा तोरा की सत्ता थी, उसको उन्होंने चुनौती दी थी। जिस औरंगजेब ने न जाने कितने मंदिर को ढहवाया, चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो या ये मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर हो, हरिद्वार हो, सब जगह के मंदिरों को औरंगजेब ने ढहवाया था। लेकिन वही औरंगजेब इन 12 सुंदर साथ से आंखें मिलाने का साहस नहीं कर पा रहा है। आंखें नीची नीची करके सब कुछ बातें कर रहा है क्योंकि उसके अंदर भी दहशत बैठ गई है। वो देख रहा है कि मैं सिंहासन पर जब बैठने की कोशिश करता हूँ तो उस पर शेर नजर आता है। उसको लग रहा है कि इमाम मेहदी के स्वरूप की पहने पहचान नहीं की तो उसकी सजा मुझे मिल रही है। उसको लगने लगा है कि मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन अहंकार इतना है, शरीयत का मोह इतना है कि वो उसको छोड़ नहीं पा रहा है। अब सब सुंदर साथ श्री जी के चरणों में आते हैं, श्री जी गले लगाते हैं और वाणी चर्चा का प्रवाह शुरू हो जाता है। अब समय भाव के कारण आगे की चर्चा रोकी जा रही है। कल आप सुनेंगे किस तरह से उदयपुर में कौन कौन से आते हैं, उदयपुर का राणा भी आता है और श्री जी उदयपुर से चलकर मंदसौर भी पहुँचेंगे, जहाँ कई महीने, एक दो महीने नहीं, कई महीने भिक्षा मांगकर सब सुंदर साथ गुजारा करते हैं। यहाँ से त्याग और तप की कहानी शुरू हो जाएगी। उदयपुर से भूखो रहने की शुरुआत हुई है, फकीरी भेष भी धारण, सब वैरागी भेष धारण करेंगे, सिर मुड़वा लेंगे, कानों में बालियाँ पहन लेंगे और वैरागी भेष धारण करके सब सुंदर साथ के साथ श्री जी वहाँ से प्रस्थान करेंगे। कल के भी तक बहुत रोचक है और कल मंदसौर की भी चर्चा होगी, इसलिए सुंदर साथ अपने घर से भोग बना कर लाएंगे। छुपाए दूर आए पहुँचे उदयपुर, आए पहुँचे मुलाकात करी श्री राज, भेख बदल शामिल भए,
भय इस्लाम के काज, भय इस्लाम के काज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इश्क सो सेवा
सब अंगों साख्यात दी सदा सुखदाता सदा सुखदाता धाम धनी मैं काह कहूँ किन सुबात जी श्री महामति युगल स्वरूप पर वार्यंग ना बल बल जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी पिया हम जैसी तुम जिन करूं मेरा तल्प तल्प जाए जी प्राणनाथ प्यारे की जय।